अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? कैसे हैं? ठीक ठाक करिए, सेम मज़े में। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों के दिन बहुत ज़बरदस्त गुजर रहे होंगे। इस वक्त जी मैं रूम में बैठा हूँ, मैंने कहा चलो उसामा यहाँ बैठ के आप व्लॉग भी स्टार्ट कर दो, तो चलिए वीडियो को भी शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये आप देख सकते हैं मामा बना रही हैं आज बिरयानी। इनको तो देख के आप लोगों के मुंह में पानी तो जरूर आ रहा होगा। ये चिकन देखें, ये लेग पीस देखें, क्या बात है। ओहो हो, मामा से अच्छा नहीं है कि आप सालन बनाएं? इतने मजे का लग रही है, सालन भी बनेगा। क्या बनेगा, क्या। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? बस ठीक ठाक। क्या कर रही है? बस आप वजू वजू किया है? अच्छा, आप कहते हो कि सामान पकौड़े का सामान जरा तैयार कर लूं। हाँ ना, पकौड़े का भी सामान करते हैं। लाइबा कह रहे थे बहुत अच्छे पकौड़े आपके बनते हैं, बहुत बेहतरीन पकौड़े बनते हैं आपके। अच्छा, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके हाथ के पकौड़े, तो कमाल होती है जी, कमाल। बस यही अल्लाह फजल करम है, आपके हाथ का पकौड़े ना कोई भी नहीं कर सकता। और शुक्र है, आप सुनाए? आप ठीक ठाक हैं? बस मैं तो ठीक ठाक हूँ। सलामत रखे, आपके दिल की ख्वाहिशें पूरी करे, आमीन। खुशी करे और तुम्हारी खुशियाँ में मौत दिखाए, आमीन। शाम को हम आशिक को भी, शामी को भी और मुझे भी, हम लोग सबको दिखाए, आमीन, आमीन। आपके हाथ के पकौड़े की रेसिपी फिर हम अगले वीडियो में फिर बनाएंगे। अच्छा ठीक है। हाँ, और लोगों को दिखाएंगे कि आप पकौड़े में क्या क्या चीजें डालती हैं, वो अगले वीडियो में हम इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। अभी टाइम नहीं है, थोड़ा सा टाइम है। अच्छा, ये करना है काम में बहुत ज्यादा है ना आज। ठीक है ठीक है। ये देखे नाजरीन, आज मामा ने इतनी मजे की आइसक्रीम बनाई है ना, जो की आज हमारे घर में पार्टी है, इफ्तारी पार्टी है, जिसमें हमने सबको इनविटेशन दिए, फूफो को और खाला को। तभी रास्ते में पहुंच रहे हैं, तो अभी से हम सारा कुछ सेटिंग कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमने आज की इफ्तारी पार्टी की सेटिंग की हुई है, जो कि अभी हम सामान वगैरह रखेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। मैंने कहा चलो आपको पहले से दिखा दूँ, ये है आज की सेटिंग, और इंशाल्लाह फिर इफ्तारी करेंगे यहाँ पर। आज आप मैक्रोनी बना रही हैं मामा? मैक्रोनी के साथ साथ और क्या बनाएंगी आज? जैसे कि चीजें में क्या क्या है? वाह वाह वाह, शहरोज और वजू भाई, आज आपकी फरमाइश पर ये चीजें मामा आज बना रही हैं। तो बस आप लोगों का इंतजार है। इस वक्त आज हमसे जो मिलने आया है एक काला जोड़ा पाव वाला लड़का। अस्सलाम वालेकुम, बखैर आरी दस डोर, वेलकम बैक टू समस चैनल। कैसी हो लाइवा? ए वन अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है? आज आप लोग ने हमें बुलाया इफ्तारी पे और हम भाग। हाँ ना, हम इंतजार कर रहे थे, एकदम शुक्र है आप लोग आ गए। लेकिन वो बंदे ने कसम खाई है कि मैं डाइट नहीं तोड़ूंगा, उसको दिखाएं जरा। मैंने देखे हैं आज मेरे लिए छोले बने, मैं छोले खाऊंगा। क्या क्या? छोले, खबर, चना चाट, मजेदार खाऊंगा, ये मेरी इफ्तारी होगी। लेकिन आज कुरखे नहीं है शायद। खैर छोले तो है, छोले में गुजारा कर लूंगा। क्या हाल चाल है शहरोज? बस जी ठीक। डाइट कैसी जा रही है आपका? डाइट बस जा रही है, जोर लगा रहा हूँ कि पतला हूँ, लेकिन इतना हो नहीं यार। कभी वैसे फर्क तो आया है ना, इसमें कोई चेंज तो नहीं? मैं तो अभी देख रहा हूँ, आज तो बड़ा स्मार्ट लग रहा है। बहुत रहता है, अभी बहुत रहता है करना। हाँ, थोड़ा जो थोड़ा बहुत हो सकता था 20 दिन में वो मैंने किया, वो मैं जब ये सारे 20 दिन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो मैं व्लॉग बना के स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि मैं पहले क्या मेरा वेट बिफोर आफ्टर लुक। हाँ, सिर्फ पिक्चर नहीं, वेट, वो वेट मशीन पे खड़े होकर मैंने पहले भी तस्वीर ली और अब तस्वीर लूंगा कितना वेट में कमी आई है। क्या नाज़रीन, लाइव में कोई फर्क फर्क आया कि नहीं? ये लकी है, ये खा भी रही और ठीक है जी, कम तो नहीं हो रही ना? ठीक हूँ, कम नहीं हो रही, तो बस क्या फायदा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैर खैरियत। वालेकुम फूफो, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या लिया आपने आज? ये आज आपकी दादी के लिए और अपनी अम्मी के लिए मैंने चिप्स लिए। क्या बात है, क्या बात है।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गजू भाई? ठीक ठाक, खैर खैरियत है? ये है जी आज की इफ्तारी। शहरोज आप भी बताएं। मेरा आज तो मैंने खाया भी, भर गया लेकिन नीयत नहीं भर रही। ओह शेर खान अंकल बहुत जबरदस्त। राजू भाई आप बताएं, मजा आ गया? इफ्तारी कैसी लगी? बहुत। मैंने इफ्तारी की नहीं, मैंने खाई है वो मजा आ गया। बाबा जान आप बताएं, बहुत जबरदस्त। मैंने दो तीन चीजें टेस्ट की। अच्छा, फुल हो गई हूँ लेकिन दो तीन चीजें जबरदस्त थी। फातिमा कैसी लगी इफ्तारी? आपके नाना शायर थे तो आपको भी शायरी का शौक है कि नहीं? नहीं कभी था, अभी नहीं है बस। और अम्मी आपको? मुझे बहुत शौक था, बहुत शौक। अभी है? अभी भी है, अभी भी है। तो मामा आज आप दोनों अपने फेवरेट शेर हमें। खूबसूरत शक्ल मेरे नौ निहाल की, रंग है सीमाब का आंखें जमाल की। ये जब शाही बाबू पैदा हुआ था ना, गमों से चूर हूँ इतना कितना दर्द है, सराफा गम मुझे और सोगवार न कर। ये अभी तो बस ऐसे उदास शेर, एक दफा फिर हो जाए। गमों से चूर हूँ इतना किताब जब्त नहीं, सरापा गम मुझे और सोगवार न कर। जागे तमाम रात, जगाए तमाम रात, क्या पूछते हो किस तरह गुजरी शबे फिराक, हम भी पिए तो मैं भी पिलाएं तमाम रात। वाह वाह वाह, अभी आप कह रही थी मुझे आते नहीं है। ये किसका शेर था? ये ऐसी था कि नहीं? ये भी बाबू का था, ये भी बाबू का था। शेर मैं पर एक शेर मैं कहना चाहता हूँ। एक हवेली थी दिल मोहल्ले में, अब वो वीरान हो गया। तो आप भी सुना दे। मैं तो कुछ नहीं सुना दे। कोई तो लिखा होगा कोई लव लेटर किस मामी से पूछो। हम तो यही कहते कि लव पे आती है तो वहाँ पर। पापा आप बताएं, बहुत शरीफ आदमी है। शहरोज सुनाए, शहरोज मुझे कभी नॉर्मली बोलते हुए देखे। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। मैंने आगे इसलिए कुछ नहीं बोला। ये बेचारा ये भी नहीं कह सकता कि मेरी मामा लाखों में एक, और ये भी नहीं कह सकता मेरी बीवी मामा। किसी का नाम नहीं लिया मैंने। फातिमा एक शेर आप सुना दे, तुम्हारे शेर बहुत आला होते हैं। मुझे मेरी ऐसी शेर ये बिल्ली है, शेर नहीं है। आसिया मामी से पूछो ना। आसिया मामी आप सुनाएं। क्यों नहीं आते शाही मामू ने तो कुछ तो सुनाया होगा ना तुम्हें। काफिर के दिल से आ रहा हूँ मैं ये देखकर, खुदा वहाँ मौजूद है उसको पता नहीं। ये अहमद फराज का है। अहमद फराज आपके कुछ लगते हैं? हाँ बस अंकल कह लो, अम्मी के कजिन ना। हाँ कजन्स में आते हैं, ऐसी जगह बताओ जहाँ किबला हो। ऐसी जगह बताओ जहाँ किबला हो, वो कौन सी जगह है जहाँ किबला नहीं है? अभी जी चाय का टाइम है, सब चाय पी रहे हैं। आसी मामी से मांगो तो मैं ला देंगी। मामा कहती है अभी लाइबा और चाय ना हो, हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और इतनी मजेदार चाय लाइबा रात कर लेती है। कर लेती लेकिन ये सीन है ना कि घर में मेरे बहुत काम है, मुझे आई मैं पीआर और उनके मैंने बनानी है वीडियो। अच्छा तो इसलिए ईद से पहले सबको डिलीवर करना है वरना बस आ जाओ। कब आओगी रात के लिए? आऊंगी मिठाइयों के साथ। लाइबा के जाने के बाद अब आई है पिंडी से हमारी कजन मारिया और सालिम भाई, अब उनसे मिलते हैं। अच्छा सालिम भाई तो कैसी लगी आपको आइसक्रीम मामा के हाथ की? बहुत अच्छी, जबरदस्त। हाल चाल है मारिया? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी लगी आइसक्रीम आज मामा ने बनाई है?
ये जी हमारी प्यारी सी बाजी ने इफ्तारी जो कि भेजी है, लेकिन लेट भेजी थी क्योंकि हमारे घर में वैसे भी मेहमान आए हुए थे और ऐसा हाला गोला था कि मुझे समझ भी नहीं आया कि क्या करूं क्या ना करूं। जहर सी बात है, जब आपके घर मेहमान आते हैं ना तो फिर आप काम शाम में ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। तो मैंने ये चना चाट बच के रखा था, मैंने कहा चलो इसका तो मैं क्लिप तो बना दूँ ना। बाकी सारे ऐसे ख़त्म हो गए थे ना, ऐसे ख़त्म के वीडियो मैं नहीं बना सका, लेकिन अभी भी मैं खा रहा हूँ। मुझे इतना पसंद आए ये चना चाट कि ये अभी भी मैं खा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच बाजी कि आपने इतने मज़े मज़े के इफ्तारी भेजी है, और आपने जो भेजी है एक केक था, स्वीट डिश सॉरी, जो कि ख़त्म हो गया अचानक से श्रक प्रक से। फिर चना चाट दही फुल किया, चना चाट स्वीट डिश जो कि मैंने बहुत शौक से खाया। आई विश अगर आप थोड़ा सा जल्दी ले आती ताकि मैं आराम से वीडियो बना देता, लेकिन चलो कोई नहीं, मैं ये इंजॉय कर रहा हूँ। तो जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का दिन, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियो ज़रूर पसंद आए, और अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।